ये तो कांटा ही मेरे को नहीं लग रहा किसमें जाने वाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिन की शुरुआत हो गई है मोमो ट्राई करने से और अभी मैं आ गई हूँ घर के पास। ये जो भैया है, एक छोटू सा इनका स्ट्रीट स्टॉल है यहाँ से मोमो ट्राई करने के लिए। हम जो ट्राई करने वाले हैं ये आ गए हैं मेरे पास स्टीम्ड मोमो। दो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ स्टीम्ड मोमो, मैं फ्राइड मोमो वगैरह ट्राई करती रहती हूँ, बट अभी ये ट्राई करके देखते हैं कैसे हैं। ये 30 रुपीज़ की प्लेट है जिसमें मुझे 4 पीस मोमो मिले हैं। सो लेट्स सी कैसा टेस्ट होने वाला है इनका। गर्मा गर्म मोमोज तैयार हैं अपने और अंदर की फिलिंग ज़रा दिखा देती हूँ आपको। कैबेज है, कैरेट है और पता नहीं क्या क्या है, कुछ मसाले हैं और साथ में ये हल्की फुल्की सी चटनी है। सो ट्राई करते हैं। चटनी तो उमदा है लेकिन स्टीम मोमो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे कच्चे कच्चे से लगते हैं, पर जो भी है ये जो रोड साइड के मोमोज और रोड साइड का जो खाना पीना है ना, इनका स्वाद कुछ अलग ही होता है। बट मेरा फेवरेट जो है वो कुछ और है, वो हम वीडियो में आगे ट्राई करने वाले हैं। सो पूरा व्लॉग देखो फिर बताती हूँ कि मैंने किस मोमो को थम्स अप दिया है। लेट्स ट्राई। अब जी मोमोज चैलेंज है, बट मैंने बीच में हल्की सी शॉपिंग भी कर ली और साथ ही में थोड़ी सी छुटकी वाली भूख लग गई तो मैंने ये स्वीट कॉर्न भी ट्राई कर ही लिए। ये थोड़ी सी चीटिंग हो गई बट कोई बात नहीं, चलता है। ये कर दो तो दोस्तों आज संडे के दिन मैं निकल पड़ी हूँ मोमो चैलेंज के लिए। 24 आवर मोमो चैलेंज मुझे मिला था तो सुबह के टाइम पे मैंने मोमो ट्राई किए थे घर के बिल्कुल पास में छोटी सी प्लेट में, व्हाइट वाले बॉइल्ड मोमो जिसमें मुझे कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। बट अब मैं आ गई हूँ मानसरोवर में और मुझे यहाँ पर मिल गया है ये खास जगह। इसके बारे में बता देती हूँ, KV5 स्कूल के जस्ट सामने की तरफ आपको ये आउटलेट दिखेगा। क्या बताऊँ क्या नहीं, जो भी आप यहाँ से ट्राई करेंगे सब कुछ इतना टेस्टी होने वाला है। वेरी एक्साइटेड टुडे। अभी मैं यहाँ पर गई थी तो सबसे पहले मैंने भैया को बोला कि ये क्या है, कैटरीना कैफ मोमोज। तो भैया ने मुझे रिप्लाई दिया कि कैटरीना कैफ को तो विकी कौशल ले गया। सो फाइनली वो मुझे नहीं मिले। उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है वांटेड मोमोज, तो अंदर जाते हैं ट्राई करते हैं वांटेड मोमोज कैसे होने वाले हैं। लेट्स गो। चैलेंज तो 24 आवर मोमो वाला है बट दिन में शॉपिंग के टाइम हमने खा लिए स्वीट कॉर्न और अब यहाँ पर बेर। ये बेर मुझे याद दिलाते हैं स्कूल टाइम की, जब मैं ऐसे कोट में भर के स्कूल लेके जाती थी। सो मोमो चैलेंज है बट और भी कुछ ट्राई करते रहे। खूब सारा। एक दो तीन चार बस 70 रुपीज का। ये वांटेड मोमो कुछ ग्रेवी टाइप मोमो हो गए हैं, कुछ ऐसा रेड इसका सॉस है काफी ज्यादा। बट लेट्स सी खाने में और टेस्ट में ये कैसे हैं। ये तो कांटा ही मेरे को नहीं लग रहा किसमें जाने वाला है। Okay,
इसमें ना वैसा टेस्ट आ रहा है जो मीठा मीठा मंचूरियन वाला टेस्ट होता है ना, वैसा टेस्ट आ रहा है इसका। मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा और स्पाइसी, बट ये इतना स्पाइसी नहीं है। सो जो लोग कम स्पाइसी खाते हैं उनके लिए ये है, और मेरे जैसे जो थोड़ा चटर पटर ज़्यादा ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए आई थिंक कुछ और ट्राई करना चाहिए। मे बी नेक्स्ट टाइम हमको कैटरीना कैफ मोमो मिल जाए, अभी वांटेड से काम चलाते हैं। सो जयपुर में मेरी बेस्ट मोमो ढूंढने की तलाश अभी भी जारी है, क्योंकि मेरे को अभी तक कोई मोमो जमा नहीं है। अभी जहाँ हम गए थे ना, वहाँ पे भैया ने पहले ही बोल दिया था कि ये जो वांटेड मोमो आप ऑर्डर कर रहे हो, इसका जो टेस्ट होगा ना, ये खट्टा मीठा सा होगा। सो वो खट्टा मीठा ही निकला और ग्रेवी वाला ही निकला। सो मेरे को वो जमा नहीं, बट वो जो नाम है ना वांटेड मोमो, उसकी वजह से मैंने ऑर्डर कर दिया। बट डेफिनेटली मैंने पहले यहाँ से सोया चाप ट्राई की हुई है, वो बहुत ही अमेजिंग थी, इसी जगह की, मानसरोवर की, जहाँ भी हम जाके आए थे। सो आप वो जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको एक रिकमेंडेशन दे दी मैंने। लेकिन जो मोमो है, अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो वांटेड मोमो ट्राई कीजिए, अदरवाइज तंदूरी मोमो और भी काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पर, सो वो ट्राई कीजिएगा। उसके अलावा आपने स्टीम मोमो तो आपने सुबह देख ही लिए। सो फाइनली अब मैं जा रही हूँ वैशाली नगर के मार्की मोमोज। या मैंने सोचा था पहले ही कि यहाँ पर भी जाऊँगी, बहुत पहले के टाइम पे मैंने यहाँ का तंदूरी मोमो ट्राई किया था, वो बहुत अच्छा था। तो लेट्स सी अब कैसा मिलने वाला है। सो चलते हैं सीधा वैशाली नगर। सो फाइनली मैं आ गई हूँ मार्की मोमोज में, और भैया ने अंदर मुझे बताया कि उनके जो यहाँ के दो फेमस मोमोज हैं वो है अफगानी मोमोज और क्रंची मोमोज। बट जो अफगानी मोमोज है उसमें ग्रेवी है, इसलिए मैंने वो ऑर्डर नहीं किया है, मैंने क्रंची मोमो ऑर्डर किया है। देखते हैं वो कैसा मिलने वाला है। आओ अंदर। Finally, I got my momo, जिसको मैं थम्स अप दे सकती हूँ। I like it so much. ये जो चटनी है ना, ये भी बहुत टेस्टी है, ना स्पाइसी है और ना ऐसी मीठी मीठी सी है। परफेक्ट स्पाइसेस, बैलेंस्ड क्रंच, सुपर्ब, लव्ड इट। तो दोस्तों फाइनली मन तृप्त हो गया मार्की मोमोज के क्रंची मोमोज ट्राई करके। स्टार्ट हुए थे अपन 30 रुपीज से, फिर अपन पहुंचे 70 रुपीज पे, और यहाँ पर जो हमने मोमो ट्राई किए हैं वो है 200 रुपीज के। सो नेक्स्ट देखते हैं डिनर में हम कौन सा मोमो ट्राई करने वाले हैं। ओके, आई विल सी यू सून। हाँ जी, तो दोस्तों ये किसी का बर्थडे पार्टी नहीं है, ये इनॉग्रेशन हो रहा है फैट टाइगर का। जी हाँ, जयपुर में फर्स्ट आउटलेट ओपन हो चुका है फैट टाइगर का, जहाँ आपको मोमो मिलेंगे, जो ये डंपलिंग्स भी कहते हैं, और इसके अलावा आपको ड्रिंक्स मिलेगी, शेक्स मिलेंगे एंड मच मोर। तो सी स्कीम में मुझे ये आउटलेट दिखा और मैं पहुंची थी शाम के समय, और इन्होंने यहाँ पर फ्री ये दिए थे 2 मोमोज, और ये बहुत ही डिलीशियस थे। सीरियसली ये फर्स्ट टाइम ऐसे मोमोज थे जो मैंने खाए हैं, स्टीम्ड मोमो, और मुझे बहुत पसंद आए हैं। और इसके जस्ट साथ में यहाँ पर है द मोमो स्टोरी, जिसके आप ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे तो बैठने के लिए भी बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा स्पेस क्रिएट किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ तो जाना ही था, तो मैं यहाँ भी पहुँच गई और मैंने ऑर्डर कर दिया तंदूरी मोमोज। क्योंकि अगर मोमो हम ट्राई कर रहे हैं और तंदूरी मोमोज जो बेसिक हो चुके हैं आजकल, वो नहीं ट्राई किया तो क्या ट्राई किया। सो द मोमो स्टोरी के तंदूरी मोमोज का मैं वेट कर रही थी, बहुत ही शांत और बहुत ही प्यारा माहौल था, डेफिनेटली आसपास कोई लोग थे नहीं, और म्यूजिक भी बहुत ही बढ़िया चल रहा था यहाँ पर। मैंने ऑर्डर किए थे तंदूरी मोमो, 6 पीस थे 149 रुपीज के,
और फाइनली थोड़ा सा ज्यादा वेट करने के बाद मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया तंदूरी मोमोज का। इनका जो पैकेजिंग है वो भी कुछ इस तरीके का था कि खाओ तो खाओ नहीं तो घर ले जाओ। ये दो छोटी छोटी सी चटनीज का भी इसके साथ आया था पैकेट, ग्रीन चटनीज थी ये। और इसकी फिलिंग बताती हूँ मैं आपको, जरा देखिए आप, बहुत ही डिलीशियस और यमी थे ये। इनके अंदर कैबेज की फिलिंग थी और भी कुछ कुछ था, फाइनली चॉप्ड थे, काफी अच्छे लग रहे थे, फुल तंदूरी फील आ रहा था, बहुत ही डिलीशियस। और जी मुझे क्या चाहिए, फुल पैसा वसूल थे ये मोमोज, मुझे बहुत ही अच्छे लगे और डेफिनेटली मैं इसको देने वाली हूँ थम्स अप। और इसी के साथ मेरा 24 आवर मोमो चैलेंज होता है ओवर। चार जगह के मोमोज मैंने ट्राई कर लिए थे, बीच में चीटिंग करके बेर और स्वीट कॉर्न भी ट्राई कर लिया था, सो उसको थोड़ा इग्नोर करना, बट डेफिनेटली मेरे लिए द मोमो स्टोरी थम्स अप है। और द मार्की मोमोज भी मुझे बहुत अच्छे लगे, क्रंची, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और कौन सी वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए व्लॉग्स बाय यामी। मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। बाय।